आज मैं आपको आरपी के डायग्नोसिस कैसे करते हैं, आरपी के सिम्टम क्या हैं, आरपी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आरपी का डायग्नोसिस, सिम्टम और टेस्ट दोनों पे ही डिपेंड करता है। सिम्टम जैसे इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, क्योंकि नाइट विजन काफी खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में देखना, अंधेरे में चलना बहुत मुश्किल होता है, सीढ़ियां उतरना मुश्किल होता है क्योंकि डेप्थ परसेप्शन नहीं होती बराबर, साइड में देखना बहुत परेशानी करता है, साइड विजन बहुत लॉस होती है बिकॉज आरपी में टनल विजन हो जाती है। वो टनल धीरे 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 छोटी होती रहती है, और टनल एक दिन बंद हो जाए तो आदमी ब्लाइंड होने का खतरा रहता है। कलर्स देखने में तकलीफ अगर होती है तो मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना अफेक्टेड है। दूर देखने में, पास देखने में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ जाती हैं, फ्लोटर्स बढ़ जाते हैं, आंखों पे लाइट पड़ती है तो सहन नहीं होती, जिसको फोटोफोबिया बोलते हैं। ये मोस्टली कॉमन सिम्टम होते हैं एक आरपी के पेशेंट में। इसके डायग्नोसिस में ईआरजी और पेरिफेरल विजन टेस्ट मींस फील्ड टेस्ट या इसको पेरीमेट्री बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, टिपिकली इसमें पेरिफेरल लॉस होता है जैसे मैं अभी बता रहा था, लेकिन कभी कभी सेंटर ऑफ द रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें सेंट्रल विजन, कलर विजन, डे विजन, फाइन विजन इन्वॉल्व होता है, जो कि मैक्यूला का वर्क रहता है। मैक्यूला इज ए पार्ट ऑफ रेटिना इन द सेंटर, रेटिना के सेंटर में एक पार्ट रहता है जिसको मैक्यूला बोलते हैं, 2-3 मिलीमीटर एरिए का रहता है। उसमें सेंटर में एक फोविया सेंट्रलिस रहता है जो 0.2-0.3 मिलीमीटर का एरिया होता है, जिसमें कोन्स रहते हैं, 6-7 मिलियन कोन्स रहते हैं, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर कोन जैसा रहता है। इनका वर्क फाइन विजन, डे विजन, कलर विजन होता है। पेरीफेरी ऑफ द रेटिना रॉड्स की रहती है, जिनका पर्पस, जिनका फंक्शन नाइट विजन, मूवमेंट, डार्क विजन, अंधेरे में चलने का मूवमेंट, ये सब उसका फंक्शन रहता है। तो टिपिकल आरपी में पेरीफेरल विजन लॉस होता है, जिसकी नाइट विजन या डार्क में चलना, ये मूवमेंट्स, ये सब प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन किसी पेशेंट्स में अगर सेंट्रल पार्ट भी अफेक्ट हो जाता है, जिसमें मैंने अभी जैसे बताया कलर विजन, फाइन विजन, डे विजन भी अफेक्ट होने लगती है, देन इट्स कॉल्ड एज एटिपिकल आरपी। टिपिकल आरपी एंड एटिपिकल आरपी। पेरीमेट्री में पेरिफेरल विजन लॉस इजीली मालूम पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान का पेरीमेट्री देखेंगे तो पूरा व्हाइट रहता है, और जो आरपी के पेशेंट की पेरीमेट्री देखते हैं तो पेरीफेरी में विजन लॉस उसके कलर से भी मालूम पड़ता है। पेरीमेट्री रिपोर्ट का ब्लैक होता है तो सबसे खराब रहता है, ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट होता है तो बेटर विजन होता है, ब्राउन से ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो और बेटर विजन होता है, ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होता है तो उससे भी बेटर विजन होता है, और व्हाइट में कन्वर्ट होता है तो द बेस्ट। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान जिसको आरपी नहीं है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं है, उसकी पेरिमिटी टोटल व्हाइट आती है। तो पीरियोडिकल फील्ड टेस्ट करना या पेरिमेट्री करना बेस्ट आंसर है इंटरनल इंप्रूवमेंट और इंटरनल स्टेटस दिखाने के लिए, जो आरपी में बहुत टिपिकल होता है। आरपी के सिम्टम मैंने बताए आपको जो क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक ये बीमारी उसके साथ रहेगी, क्योंकि जीन से अटैच बीमारी है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं, जिससे कि लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, अनबेयरेबल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, उससे बहुत कुछ राहत मिल सकती है, ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सारे तरीके बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं इसके ट्रीटमेंट में। एलोपैथिकली ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, बट इंटीग्रेटेड नेचुरल ट्रीटमेंट कैन बी पॉसिबल। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जनरली दो टाइप की आरपी को बोला जा सकता है।